देखिए छत्ती सिद्ध करें कि रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना रूट सात एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि यह संभव है, यदि यह संभव है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं तथा इसका सरलतम रूप, सरलतम रूप ए बटा बी है, ठीक है। तो रूट सात बराबर में क्या हो जाएगा, ए बटा बी, जहां ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी पूर्णांक है, यहाँ बी नॉट इक्वल टू जीरो, और ए तथा बी में एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई 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 उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ सात आ जाएगा इधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी अभी यहाँ पे लिख सकते हैं सात बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो कि हम लोग ए स्क्वायर में जब सात से भाग कर रहे तो बी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, बी स्क्वायर यानी कि एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः सेवन ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए सेवन ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर a इक्वल टू में सेवन सी, जहाँ c एक एक शून्योत्तर पूर्णांक है, नॉन जीरो इंटीजर है ना, जीरो को छोड़कर कोई अदर इंटीजर होगा, यहाँ सेवन बी स्क्वायर इक्वल टू में एक जगह पे यहाँ रख देंगे सेवन सी का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ से सेवन बी स्क्वायर इक्वल टू में उनचास सी स्क्वायर, ये जाएगा भाग में तो बी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा सेवन सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर में जब सेवन से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, इसका मतलब यह है कि सी जब पूर्णांक है इसका मतलब है कि इसे पूर्णतः विभाजित है, अतः सेवन बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, सी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए सेवन बी को भी विभाजित करेगा, बी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं कि सेवन ए और बी दोनों को विभाजित कर दे रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेवन ए और बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, तो जब ये दोनों को विभाजित करता है अतः 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 सात जो सेवन है ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो हम लोग देखे थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो केवल एक था, एक के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इससे इस कथन का या इस तथ्य का कथन का विरोधाभास होता है कि क्या होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट सात एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए रूट सात एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, यही हमें यहाँ साबित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।